बोलिए कलेक्टर साहब के जो आदेश है 24 जनवरी जो आदेश है ना, उसमें कलेक्टर साहब ने निर्देश दिया था से अभी हमारे बेटे को महोत्सव होना है, उसमें कोई समस्या ना है, इस वजह से हम जो ये कार्रवाई हो रही है मनोज जो सुपुत्र है पवन तिवारी जी, इस पर कार्रवाई में रोक दी जाएगी। अभी वर्तमान में जो कलेक्टर साहब ने निर्देश दिया गया है कि अभी हम पार्किंग तक सारी चीजें फ्री कर दिए जाए, जिससे कि जो आम जनता आ रही है उसको कोई हमें अभी एक तरीके से समस्या का ना, इस वजह से वर्तमान में फ्री कर दिया कैसे कार्रवाई आगे की जाए। आपका नाम? मेरा नाम पवन साहब है। हमने मतलब इसको अपने नगर परिषद में लेना था, क्योंकि आज कलेक्टर साहब से बात हुई एसडीएम साहब को, उनके निर्देशानुसार अभी हम महोत्सव तक इसको अपन अभी फ्री कर रहे हैं, निःशुल्क रहेगा, किसी से कोई वसूली नहीं, क्योंकि पर्यटन से जो भी आएंगे इतना बड़ा मैंने उत्साह है, त्यौहार है, तो मैंने किसी को किसी भी टाइप से मैंने पैसे ना देना पड़े ना कुछ, बढ़िया अच्छे से यहाँ भक्तिपूर्ण आनंद लें उस टाइप से व्यवस्था कराया गया है। तो ये अभी से बंद है? हाँ, अभी से बिल्कुल बंद है। इस पर जो सख्त कार्रवाई तो होगी। आपका नाम? तो आप यहाँ किस आवेदन को लेकर आए हैं? कलेक्टर साहब ने एक ऑर्डर पारित किया है, फैक्ट्री का इरास्त हुआ था उनको, फिर पुनः ठेका दे दिया गया था, तो उसी के अगेंस्ट एक आदेश पारित हुआ है कलेक्टर साहब का, विभागीय वसूली की जाए, तो वही सब हम लेके आए हैं। पास हो गया सहमत? जी हाँ जी हाँ, सहमत साहब ने और एसडीएम साहब ने 3 दिन के लिए फ्री भी कर दिया। ठीक है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? समीर मानिकपुरी। आप वर्तमान में पार्षद हैं? वर्तमान में पार्षद हैं वार्ड नंबर 1 से, और वर्तमान में सभापति हुई है जी। तो सभापति जी, तो आप ये बताइए कि जो आपने जो कार्यवाही आज आवेदन लगाए हैं, तो इसमें आप पूर्ण सहमत हैं? पूर्ण सहमत हैं जी। तो ये हम एसडीएम साहब का तहे दिल से धन्यवाद भी करते हैं कि उन्होंने नगर पंचायत की ओर से और अपनी ओर से 3 दिन का पार्किंग कर दिया है। उससे भरपूर सहमत है। इससे जनता भारी खुश भी होगी कि भाई उनको छूट मिल रहा है 3 दिन का, पार्किंग यहाँ वसूली नहीं होगा, और 3 दिन के बाद आपका जो भी नगर पंचायत जो निर्धारित रेट करते हैं वो आपका छोड़ेगा। ठीक बोल दिया ना? आप विशेष पार्षद हैं, कुछ रह जो है इसलिए तो जन जन आपको बोला जाता है, जन जन है दोबारा फिर पार्षद, अभी पत्नी है वर्तमान क्षेत्र पार्षद। तो आपने जो आवेदन लगाया था तो किस विषय पर आवेदन था? ये पार्किंग कार पार्किंग ठेका वाला रहा जी, तो इसमें परिषद के द्वारा इन्हें उसके अवैध वसूली के पूरे शिकायत पकड़ी गई, रसीद पर फर्जी, सील फर्जी, इसके बाद पूरा कार्रवाई होने के बाद परिषद के द्वारा उसका ठेका निरस्त किया गया सर्वसम्मति से, इसके बाद परिषद के द्वारा थाने में उसकी शिकायत रिपोर्ट दर्ज कराई गई, इसके बाद पुनः फिर उसी ठेकेदार को परिषद के द्वारा पुनः विचार करके ठेका दे दिया गया, और उसकी ठेकेदार की पिछला राशि बाकी है, परिषद में भी ये पास हुआ था कि पिछली राशि जमा कराई जाए, लेकिन पिछले राशि जमा नहीं किया। कितनी है पिछली राशि? पिछली राशि कितना तो है, पिछली राशि बाकी है, पूरा जमा नहीं हुआ है, इसके बावजूद भी अभी साठगांठ बना के परिषद ने उसको पुनः ठेका में दे दिया है। इसी के बारे में हम लोग कलेक्टर के पास गए, आवेदन लगाए, पूरी जानकारी बताया, परिषद के खिलाफ भी ठेकेदार कोर्ट में गया देखने को, कोर्ट में जाने के बाद परिषद के खिलाफ गया और परिषद ने कोर्ट से भी वो हार चुका, इसके बाद भी परिषद पुनः उसको ठेकेदार दिया है। इस संबंध में फिर हम लोग गए कलेक्टर के पास, कलेक्टर को सारी जानकारी दी, का आवेदन लगाए, जानकारी दिए, कलेक्टर हम लोगों की आवेदन और स्वीकार करके और फिर तत्काल आदेश कर दिया कि ठेका निरस्त कराया जाए और विभागीय वसूली कराया जाए। उस आदेश को हमारे पास मिला कल, आदेश को लेकर हम कल उनके दरबार के अधिकारी के पास आए, नगर पंचायत कार्यालय आके मैं यहाँ बाबू से रिसीव लिया और आदेश के कारण
काफ़ी लेके जैसे भी लेके और हम चले गए। फिर आज सुबह आए तो शिव साहब के पास मिला, मैं चर्चा की जैसा मेरा काम हुआ किया था कार पार्किंग वाला कार्य में सब कर दिया और यहाँ कुछ नहीं किए बोले कि मैं सब अपना कर्मचारी लगा दिया हूँ लेकर विद्यालय गया तो वही ठेकेदार के कर्मचारी इधर बाजार साइड गए वहाँ भी ठेकेदार की पसंद रहे थे। इस तरह की साहब हमारे को गुमराह किए। अभी सुबह से हम लोग 10 बजे से यहाँ ऑफिस में बैठे लेकिन बड़ी मुश्किल से अभी शिव साहब दस्तखत कर पाए उसमें मिलत काफ़ी है। इस तरह के देखिए ये परिषद का निर्णय है, परिषद की काम है, परिषद की हित की बात है और हम बड़ी मुश्किल से सीएम साहब के पीछे लगे तब अभी काम हुआ। एसडीएम साहब तक आए तब काम हुआ हमारा ये कार पार्किंग वाला नीरस वाला। आप इस कार्य से तो सहमत हैं? 3 दिन का पीरियड हो गया। हाँ 3 दिन का भी एसडीएम साहब फ्री किए हैं कि कोई वसूली ना किया जाए। हम इसमें तो सहमत हैं, यात्रियों को सुविधा मिलेगा, पर्यटकों को सुविधा मिलेगा, यात्री पर्यटक उनको तो सुविधा है लेकिन नगर परिषद कार्यालय को तो इसमें तो नुकसान है। लेकिन अपने जो एसडीएम साहब जी ने ये कहा है कि 3 दिन बाद इस पे बड़ी कार्रवाई होगी, तो इससे भी आप सहमत हैं? हाँ सहमत हैं, सहमत हैं। अगर एसडीएम साहब कहें कि 3 दिन तक कोई यहाँ वसूली ना किया जाए इसमें हम सहमत हैं। अगर इसके कोई कार्रवाई मैंने इस वसूली करता है उसकी कड़ी कार्रवाई की जाए हमारे तरफ से। नाम मनोज कुमार जैन। आप किसी पार्टी से हैं? मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हूँ, मंडल उपाध्यक्ष हूँ जी। तो यहाँ पर जो आप आवेदन लेकर आए थे तो ये किसके खिलाफ पर था? मैंने आवेदन मैंने आपको पेश किया था जिला न्यायालय।